दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने आई है। किसे मिला है टीम में मौका और कौन हुआ है टीम से बाहर, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज भी हरा दे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हालिया T20 सीरीज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप दी है। इसके बाद अब भारतीय टीम के हौसले सातवें आसमान पर है। T20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 नवंबर से कानपुर में खेला जाएगा। 5 साल से भी ज्यादा समय के बाद कानपुर में टेस्ट मैच का आयोजन हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीन पार्क में पिछला टेस्ट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही हुआ था। कानपुर टेस्ट मैच के लिए अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा समेत 11 खिलाड़ी होटल लैंडमार्क टावर भी पहुँच गए हैं। वहीं टेस्ट सीरीज के लिए बाकी 20 सदस्य T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब कानपुर पहुँच रहे हैं। कानपुर टेस्ट में अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे। गौरतलब है कि कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है, वह दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ेंगे। टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी आराम दिया गया है। तो आइए दोस्तों, ऐसे में नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों बात करें सलामी जोड़ी की, तो KL राहुल और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी आपको एक बार मैदान पर दिखाई देने वाली है। बात करें नंबर 3 की, तो चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर खेलेंगे। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा, उनकी काफी दिनों बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साह खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जबकि नंबर 8 पर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। वहीं तेज गेंदबाजी की बागडोर उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा के कंधों पर होगी। तो दोस्तों ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।